जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी रिक्रूटमेंट 2019 के बारे में, जो कि रिसेंटली जारी कर दी गई है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जो लोग इसमें अप्लाई करना चाहते हैं या फिर जो लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं आगे की पूरी जानकारी। दोस्तों इसमें जो आपके फॉर्म फिलअप होने शुरू होंगे वो 26 अगस्त से शुरू होंगे और 1 सितंबर 2019 तक आप अपना फॉर्म फिलअप कर पाओगे। पर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही 26 अगस्त 2019 को आपका अप्लाई ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट होता है, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे आप ये फॉर्म फिलअप कर पाओगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे ही वो वीडियो मैं डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए अब इस भर्ती के बारे में आगे की जानकारी जानते हैं, जो कि है आपकी एलिजिबिलिटी से जुड़ी हुई। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपसे जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो 10+2 है, यानी कि 12वीं पास विद मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम एन एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि जिस भी बोर्ड से आपने की है वो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ हो या फिर उससे अधिकारित हो। विद मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क्स, यानी कि आपके जो 12वीं पास है उसमें आपके कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। और यहां पर 5% की छूट एससी एसटी कैंडिडेट्स को दी है, यानी कि अगर आप एससी एसटी से हो और आपके जो 12वीं में मार्क्स है वो 45% है, तो आप तब भी अप्लाई कर पाओगे। साथ ही यहां पर देख लीजिए, एट आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सनल ऑफ नेशनल लेवल हु हैव ऑब्टेंड फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजिशन इन एनी फील्ड स्पोर्ट्स इवेंट एट दी ओपन नेशनल चैंपियनशिप इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप दिस सिलेक्शन विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू दी वर्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड यूनिफॉर्म पर्सनल डिक्रीज्ड वाइल इन सर्विस, यानी कि साथ ही आपको अगर आपके पास कोई नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट है जो कि आप यहां पर देख पा रहे हो, जिसमें कि आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन रही हो, तो आपको उसका भी अलग से फायदा यहां पर दिया जाएगा। एज लिमिट की बात की जाए तो यहां पर मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और मैक्सिमम एज लिमिट 22 साल है, यानी कि अगर आपका जन्म 1 फरवरी 1998 से लेकर 31 जनवरी 2002 के बीच हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर अपर एज इलेक्शन ऑफ 5 ईयर फॉर SC ST, यानी कि 5 साल की छूट आयु सीमा के अंदर SC ST कैंडिडेट्स को दी जा रही है और 3 साल की छूट OBC कैंडिडेट्स को दी जा रही है। इसका मतलब जो SC ST से है वो 22 और 5 27 साल की उम्र तक, और जो आपका OBC कैटेगरी है वो 25 साल की उम्र तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर देख लीजिए, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर इंक्लूड्स रिटन एग्जामिनेशन एंड फिजिकल टेस्ट फॉलोड बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि आपका सिलेक्शन रिटन एग्जाम के द्वारा और उसके बाद फिजिकल फिटनेस टेस्ट और जो कि आपका मेडिकल एग्जाम के द्वारा मेडिकल एग्जामिनेशन के द्वारा फॉलो किया जाएगा, यानी कि 3 टेस्ट इसके अंदर आपके होने वाले हैं। एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ऑनलाइन ओनली फ्रॉम 26 अगस्त 2 टू 1 सितंबर 2019, जो कि शाम 5 बजे तक ही आप फॉर्म फिलअप कर पाओगे। इसके अलावा आप यहां पर देख लीजिए, जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं नॉर्थन जोन में, आप यहां पर देख लीजिए कि किस जगह पर आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट जोन में, ईस्ट जोन में और वेस्ट जोन, नॉर्थ वेस्ट जोन और अंडमान एंड निकोबार जोन, आप यहाँ पर देख सकते हो कि इन जोन के अंदर कहाँ कहाँ पर आपके एग्जामिनेशन सेंटर रहने वाले हैं। आप यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी रीड कर सकते हो, ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकते हैं। वैसे जो मेन जानकारी थी मैं आपको दे चुका हूं, और अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको कितनी एप्लीकेशन फीस देनी होगी। तो यहां पर दोस्तों एप्लीकेशन फीस के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इसका मतलब ये होता है कि आपको अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस देने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों ये थी आपकी जानकारी इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक GD 10+2 एंट्री ऑनलाइन फॉर्म 2019 के बारे में। आई होप यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो प्लीज, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में रिक्वेस्ट की थी कि आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।